हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जालौन के कुसमिलिया गांव में लगी जन चौपाल, सुनी गई समस्याएं। जनपद जालौन के विकासखंड डकोर के अंतर्गत ग्राम कुसमिलिया में जन चौपाल का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि सिजाउद्दीन अहमद, अधीक्षक ग्रामीण झांसी और डकोर विकासखंड के अधिकारी गणों के अलावा ग्रामीण अंचल से बुद्ध युवा बच्चे और महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जन चौपाल में विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं, इस पर विस्तृत आंकड़ों के साथ चर्चा की गई। जन चौपाल में विकासखंड डकोर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। कार्यक्रम में बाल विकास व पुष्टाहार विभाग द्वारा महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। इसके अलावा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अन्न पाशन भी कराया गया। जन चौपाल में सभी अधिकारी गणों ने अपनी अपनी योजना बताई, जिससे कि प्रत्येक योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को मिल सके। ग्राम कुसमिलिया में एक दिवसीय जन चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल और तालाबों के अतिक्रमण की समस्या भी उठाई। जब अधिकारियों ने कहा कि इस गाँव में तालाबों की संख्या 9 है, उनकी क्या स्थिति है, जिससे ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि गांव में अधिकतर तालाबों पर अवैध कब्जे हैं और कुछ सरोवरों में पानी ही नहीं है। इस मौके पर SDO पंचायत बलबीर सिंह सेंगर, SDO समाज कल्याण ज्ञानेंद्र राजपूत, SDO शैलेंद्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी इदरीश मोहम्मदाबाद रोहित राजपूत, कृषि विभाग लेखपाल राकेश कुमार, सचिव राणा इंद्रजीत सिंह, ग्राम प्रधान चंद्रवती राजपूत, संपत देवी पुष्पेंद्र सिंह, रोहित कुमार, प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार राजपूत, दिवाकर राजपूत और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जालौन से जिला ब्यूरो चीफ KK श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुष्पेंद्र जी आए और AG साहब का स्वागत है। AG